गुड इवनिंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी एक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे तो एक जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। बिल्कुल टाइम हो गया है, बिल्कुल अपन टाइम से ही है, टाइम हो चुका है, बिल्कुल मुझे ही पता है कि समय टाइम हो गया है। तो फटाफट सभी लोग जल्द और मुझे बताओ कि आप क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं, जल्दी से मुझे एक बार। चलिए एक बार फटाफट मुझे बताइए सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है। अब सब कुछ क्लियर है एकदम, आवाज वगैरह क्लियर आ रहा है सब। शायद इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और अब सब कुछ क्लियर है एकदम। एक बार मुझे बता दो अगर सब कुछ क्लियर है तो, एक बार फटाफट जल्दी से मुझे बता देंगे सभी लोग अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो। चलिए फटाफट सभी लोग बता दीजिए क्लियर है एकदम, बिल्कुल बफरिंग वगैरह अब तो नहीं हो रही है। अगर फटाफट बता दोगे बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है अब। चलिए अब तो क्लियर है ना सारी चीजें, तो कोई समस्या नहीं है। जल्दी से आ जाओ, फटाफट शेयर कर दो। बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है मैंने, आप भी अपना रिफ्रेश कर लीजिए एक बार जल्दी से, और फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से फटाफट सभी लोग रिफ्रेश भी कर लेंगे अपना अपना। चलिए चलो वेरी गुड, तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। जो सरकारी शेयर होते हैं अगर हम उनको निजी कंपनियों के द्वारा बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाएगा, या फिर विनिवेश कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम कोई भी सरकारी संस्था होती है, ठीक है, वो अपने शेयरों को निजी कंपनियों में बेचती है, ठीक है। जैसे कोई भी आप सरकारी संगठन कोई भी है कंपनी है उसको बेच रही है तो वो कहलाती है विनिवेश। क्या कहलाती है, विनिवेश। निवेश नहीं, क्या कहलाती है, वो विनिवेश कहलाती है। क्वेश्चन SSC में पूछा गया है TCS कंपनी द्वारा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को बहुत आपको मिलते हैं। आई होप कि कल UPSC का पेपर हुआ था, आप लोगों ने UPSC का पेपर देखा होगा, वहां पे आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जो एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाए हैं बिल्कुल वही सेम क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप कि यूपीएससी का पेपर कहीं से मिल जाए तो उसे एक बार देखना जरूर, सॉल्व जरूर करना, ठीक है। बिल्कुल पढ़ते रहो, पेपर लगाते रहो। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विनिवेश इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के क्षेत्रों को लिया गया है। अर्थव्यवस्था में पहला प्राथमिक क्षेत्र लिया गया है, पहला कौन सा लिया गया, प्राथमिक क्षेत्र लिया गया है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र लिया गया है, और तीसरा जो आपका क्षेत्र लिया है तृतीय क्षेत्र लिया गया है, तृतीय क्षेत्र लिया है। तीन प्रकार के क्षेत्र लिए गए। अच्छा इनसे प्रश्न देखे गए तो हर सेट में इनसे एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे अच्छी तरीके से, कि जितना भी निर्माण करेंगे जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जैसे मान के चलो कृषि, सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, कृषि। तो कृषि क्या, इंसान खेती करता है, खेती करने के दौरान जो अनाज उगता है तो वो दूसरों की सेवाओं के लिए लगाता है यहाँ पे, ठीक है, दूसरों को बेचता है, तो कृषि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। कृषि के साथ साथ अगर मैं बात करूँ दुग्ध उद्योग की, दुग्ध उद्योग की, तो ये भी तो भाई दुग्ध उद्योग भी तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको भी तो हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे अगर द्वितीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आता है, उद्योग, यहाँ पे उद्योग आता है, निर्माण आता है। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। विनिर्माण भी यहाँ पे आपके सामने क्या, द्वितीय क्षेत्रक में आता है, ठीक है। विनिर्माण भी क्या है, यहाँ पे द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तो यहाँ पे देखो उद्योग भी आ गया, विनिर्माण भी आ गया, निर्माण भी आ गया। अगर मैं तृतीय क्षेत्रक की बात करूँ तो तृतीय क्षेत्रक में क्या, जो सेवा का होता है, सेवा का मतलब आप समझिए बैंकिंग से, बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो परिवहन होता है, जो परिवहन होता है वस्तुओं का, सामान अमान जो इधर उधर ले जाते हैं, वो भी किस में जाता है आपका, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डेयरी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
फिर से पढ़ लो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हमेशा आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। ओके चलिए, तो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से। भाई डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर क्यों बता रहे हो मेरे भाई, डी तो होगा ही नहीं, डी तो होगा ही नहीं, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। जो राजस्व व्यय होता है, जो राजस्व आय होता है, उनका अंतर क्या कहलाता है। रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या फिर टोटल रेवेन्यू, आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे वीडियो को, लाइक कर देंगे और सभी के पास शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। तो यहां पे आपको मिलेगा कि राजस्व व्यय, अगर मैं बात करूं कि राजस्व व्यय के बारे में कह रहा है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, इनका अंतर अगर पूछेगा तो क्या आएगा। जो राजस्व व्यय करेंगे, जिसमें व्यय करेंगे उसकी आय, तो टोटल हमें क्या निकल के आएगा, टोटल हमारा निकल के आएगा राजस्व घाटा। क्या निकल के आएगा, राजस्व घाटा। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके सूरज, आप थ्री सेक्टर का बता रहे थे, कोई बात नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा शायद आपने आंसर डी ऑप्शन को करेक्ट किया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, रेवेन्यू डिफिट यानी राजस्व घाटा आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार SSC के एग्जामों में तो पूछा ही गया है, ऐसे ही प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष भी हैं, किस चीज के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, किसके होते हैं। राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश है, मैं दोनों को पढ़ के आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू डिफीट है, टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कल से हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष भी हैं, किस चीज के, लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट के, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, सभी को पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के भी होते हैं। राज्यसभा के कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा आता किस में, आर्टिकल 80 में आता है। इसका जो कार्यकाल होता है यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सभापति के कार्यकाल का समय होता है 5 वर्ष का होता है। हर 2/3 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, अगर बात करें राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है तो 250 राज्यसभा में टोटल सीटें हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाओ और यार वीडियो को शेयर कर दो, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल, एक बार शेयर करो फटाफट ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाए, सेशन को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित हैं। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित हैं, 245 सीटें, 252 सीटें, 260 सीटें या फिर 250 सीटें। राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक बार फटाफट शेयर करो, शेयर कर दो फटाफट सभी लोग, एक बार क्या कर दो फटाफट सभी लोग शेयर कर दो ताकि सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। फटाफट शेयर कर दो। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा 80 आर्टिकल के अंतर्गत आता है और इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 250 सीटें हैं।
टोटल सीटें कितनी है, 250 सीटें हैं टोटल सीटें, अधिकतम सीटें, अगर कहेगा मिनिमम सीटें कितनी तो 245 को आप आंसर बताएंगे। 245 को क्या बताएंगे आप आंसर बताएंगे, ये वर्तमान की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है मेरे मित्र, ये वर्तमान की कंडीशन है। साथ ही साथ में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 250 सीटें हैं, इसमें से 12 सीटों का जो चुनाव करते हैं, 12 सीटें जो होती हैं वो राष्ट्र, वो कौन मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में सांसद के रूप में इन 12 पदों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर आएगा, चलिए क्या हुआ भाई, सभी लोग क्लास पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट भारत के राज्यपाल करते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या भारत के अटॉर्नी जनरल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, वो लाइक कर देंगे सेशन को और फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना यार, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, आपको पता नहीं कि कितनी दिक्कतों के साथ क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को सहयोग करो, शेयर करो फटाफट जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। कह रहा है कि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। भाई देखो, अगर मान के चलो बहुमत है या तो गठबंधन है, अगर मान के चलो गठबंधन है या फिर किसी सरकार को पूर्ण बहुमत है, बहुमत है तो अपने नेता को वो भेजता है राज्यपाल के पास, वो जाता है राज्यपाल के पास, वहां पे जाके अपने बहुमत को शामिल करता है और राज्यपाल ही क्या दिलाता है, उसको शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री के ही सिफारिश के आधार पर राज्यपाल क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में है। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है। राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, कुछ लोग प्रेसिडेंट दे रहे थे, कोई बात नहीं। एक बात बताएं, आप देखोगे जो ट्रेंड चीजें करती हैं सब फालतू की चीजें ट्रेंड करती हैं, फालतू की चीजों को देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है, फालतू की चीजें देखते रहेंगे, लेकिन जिससे भविष्य बनता है, जिससे भविष्य बनेगा, उन चीजों के ऊपर अगर हम जरा सा भी फोकस कर लेना तो हमारा काम बन जाए, बस वही चीज है। ये बात 15 दिसंबर के बाद पता चलेगी कि अगर रेगुलर क्लासेस ले ली होती तो आज रेलवे में सिलेक्शन हो गया होता, पड़ोसी जब सिलेक्शन लेके आएगा सामने तब समझ में आएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में, यानी अब कलकत्ता भी आंसर लगा सकते हैं इसका, तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीएम ऑफ सीजी यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नमस्कार सीएम भाई, शेयर कर दो फटाफट सभी के पास, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। पश्चिम बंगाल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जो भारतीय नागरिकता है वो किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 3, 4, 5, 6। देखो, सबसे पहले आप वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे और भूमि अधिकरण के आधार पे। तो आप नागरिकता जो प्राप्त कर सकते हैं वह 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। और जो पांचवा प्रकार होता है वो होता है पंजीकरण। जो पांचवा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, पंजीकरण होता है। और नागरिकता भाग 2 में आता है, नागरिकता भाग 2 में आता है, 5 से लेके 11 तक है ये, 5 से लेके कितना है ये, 11 तक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, नागरिकता भाग 2 में आता है और ये 5 से लेके कितने तक है, 11 तक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेत्रीय का भाग नहीं है, कौन सा वेद वेत्रीय का भाग नहीं है। जब मैंने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाया था इतिहास में, तो मैंने वहां पे बताया था वैदिक सभ्यता में हम वेद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, शाम वेद, ये सारे वेद जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनके बारे में हमें समझ में आता है कि वेद क्या है इनका। तो बात करें कि जो वेतत्री का भाग नहीं है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका शाम वेद, ये तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट वेत्रीय के पार्ट है, वेत्रीय के पार्ट है। जबकि जो अथर्थ वेद है ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं। तो आपका डी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने होगा डी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मुझे ये बताओ गद्य और पद्य का कौन सा वेद में भाग है, गद्य और पद्य कहा जाने वाला कौन सा वेद है, कमेंट करके मुझे फटाफट बताएंगे सब लोग। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब यहाँ पे एक होती है चीजों को रट लो। Who among the following is known as Bismarck of India? एक होता है चीजों को रट लेना, एक होता है चीजों को समझ लेना। कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क कोई और भी है, जिसके आधार पर सेम काम किसने किया है। अभी आंसर में बता के फिर आपको डिस्क्राइब करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, मजा आएगा आपको। भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क एक जर्मनी के बिस्मार्क थे जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये जर्मनी के थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने क्या क्या किया था, जो देसी राज्य थे उनको क्या किया था, विलय किया था। ऐसे ही जो अपने सरदार पटेल जी हैं इन्होंने क्या किया था, लगभग 526 कितना 526 जो देसी रियासतें थी, कैसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी। तो उन देसी रियासतों को किसमें किया था, भारत में शामिल किया था। तो देसी रियासतों को शामिल करने वाले व्यक्ति कौन थे, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जी ने सेम काम किया था ऑटो वॉन बिस्मार्क के जैसा, इसीलिए इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, सरदार पटेल जी को। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनका जन्म आपको पता है 12 जनवरी को हुआ था, और 12 जनवरी को ही हम इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट इसको करते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से लाइक शेयर कर दो जल्दी से फटाफट और शेयर कर दो जल्दी से और राइट आंसर बता दो क्या होगा जल्दी से फटाफट। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। चलिए तो बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। अच्छा आप देखोगे कि लोथल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि लोथल है जो आपका वो कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर ये लोथल गुजरात में है। दूसरी बात किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे सर आप भोगवा नदी के किनारे है। और अगर जब लोथल की बात आती है तो लोथल की बातों में सिर्फ दो ही चीज समझ में आता है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो डॉकयार्ड था, यानी एकमात्र जो बंदरगाह था वो लोथल में ही था, जो कि व्यापार के लिए काफी क्या होता था, अच्छा होता था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बंदरगाह। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, ये समझ लो कि SSC CPO के क्वेश्चन इस समय आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। SSC CPO के क्वेश्चन इस समय आप लोग सॉल्व कर रहे हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का पेपर है 23 नवंबर को CPO का, तो जो प्रश्न होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, सर्किल में घूमते रहते हैं, वही CPO में आ गया तो वही SSC CGL में आ गया, वही 10+2 में आ गया, वही आपका NTPC में आ गया, वही ग्रुप डी में आ गया, तो क्वेश्चन घूमता रहेगा। और क्या भरोसा ये क्वेश्चन कल को यूपी पुलिस में देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन आप जितने हो सके जहां से हो सके वहां से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। हु एमंग द
फॉलोमिंग बिल्ड द सांची स्तूप। राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग यहां पे क्या हो जाएगा, अशोक, गौतम बुद्ध, चोल या फिर पल्लव। राइट आंसर बताएंगे यहां पे क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाते, फटाफट राइट आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। फटाफट राइट आंसर देंगे सभी लोग। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अशोक, सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने सांची के स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसको हमेशा अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, का निर्माण कराया था। ओके, सम्राट अशोक इज द राइट आंसर आपके सामने यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि लॉर्ड मैकाले साधारणता भारत में लाने वाले से संबंधित थे, मतलब लॉर्ड मैकाले किस चीज को लेके आए थे भारत में, ये आपसे पूछा गया है। सेना में एकता, इकोनॉमिक या फिर इंग्लिश एजुकेशन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी अंग्रेजी शिक्षा, सेना में एकता या फिर आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मैकाले साधारणता भारत में लाने से संबंधित थे, यानी मैकाले भारत में क्या चीज लेके आए हुए थे। एक बार सभी भाई मेरे शेयर कर देंगे, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे सभी मेरे भाई, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारे गवर्नर थे विलियम बेटिंग, उनसे आग्रह किया था लॉर्ड मैकाले ने और कहा था मैकाले ने कि भाई फारसी की तरह अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा की तरह में घोषित किया जाए और बताया जाए कि स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को नियमित रूप से संचालित किया जाए, जो टीचर है उनको भी कहा जाए कि आप अंग्रेजी में चीज़ों को शिक्षा दो, अंग्रेजी में चीज़ों को पढ़ाओ। तो इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है मैकाले, किससे संबंधित है, इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है, यानी आप कह सकते हो कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आएगा, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड द प्राइम मेरिडियन, यानी रेखांश प्रधान और मध्यान रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर, 0 मध्य रेखा और आपका थर्ड और आपका फोर्थ, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है ये, आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। मनीष यादव यूपीपी, नमस्कार मनीष, क्या हाल चाल है। चलिए तो इसका आंसर बताओ सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दी से बताओ फटाफट राइट आंसर इसका क्या होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है ये सही नहीं, कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर 0 डिग्री ये एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड जो कथन है यहाँ पे क्या होगा, सरासर बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए बाकी आपके सब सही है, ये भी आपका सही है, थर्ड भी आपका सही है और आपका 0 भी सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज स्तुमस, ये कह रहा है कि एक स्थल डमरू मध्य स्थमस्थ क्या है, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय है, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी है, या भूमि में जल निकाय का गहरा प्रवेश है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, एक बार जल्दी से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे सभी लोग, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से लाइक जरूर कर देंगे आप सेशन को, क्या कर देंगे सभी लोग, लाइक जरूर कर देंगे फटाफट जल्दी से, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फटाफट जल्दी से। बताइए राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। तो देखो जो आपका इस्थमस है तो इसका मतलब क्या होता है, ये दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी है, याद रखिएगा दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहां का करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, ए नहीं होगा, अलग करने वाला नहीं है यहां पे, सेकंड इज द राइट आंसर यहां पे आपके सामने हो जाएगा।
बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका या फिर वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका। जो रेड इंडियंस हैं निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका या फिर वेस्ट अफ्रीका। राइट आंसर बताएं। सूरज कुमार, मेरा जीके बहुत कमजोर है सूरज, डेली क्लास लो शाम को 6 बजे, डेली क्लास लो शाम को 6 बजे और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो सभी लोग। और एक बात मैं आपको बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी में, ठीक है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप विवेक वाईटी 10 लगा दीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके आप कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि 65 दिन ही अब बाकी रह गया है, जिसमें पूरा डिटेल से आपको थ्योरिकल वाइज पूरा करा रहा हूँ। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं सिर्फ जीएस मिलेगा, आपको मैथ भी मिलेगी पढ़ने के लिए, रीजनिंग भी आपको मिलेगी और आपको जनरल साइंस भी आपको मिलेगा, यानी आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाइए। तो रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? तो नॉर्थ अमेरिका के। किसके? नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी हैं ये, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर बता दोगे। रंजीत, अभी सीपीओ का एडमिट कार्ड नहीं आया मेरे भाई, सीपीओ का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, आएगा तो वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, तुरंत इत्तला कर दिया जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड आ गया है, आप फटाफट ले लो। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? 5 आवर 30 मिनट। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर आप कर रहे हो ना, ये पेपर आपका सीपीओ का पेपर है, ये सेंट्रल पुलिस ऑफिसर सीपीओ का पेपर है, ये जो आपका पेपर होता है सीपीओ का पेपर है एसएससी का। अब सोचो इसके प्रश्न आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है। तो जब एनटीपीसी के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो घूम फिर के यही प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? पीड़ानाशक, एंटीबायोटिक, रोगाणुरोधक या फिर विनाशक औषधि, कौन सी औषधि का प्रयोग करते हो? चलिए 5.5 घंटे आगे, बिल्कुल आरोही सिंह, प्रियंका बिल्कुल, शिवानी बिल्कुल सही है, ज्योति जी बिल्कुल सही, चंदन, संदीप, रोहित, बताओ भाई इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी एनटीपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एनटीपीसी के लिए भाई, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। और जो एग्जामिनर बैठा है और नहीं, वो अपने आप क्वेश्चन बैठ के बनाएगा, वही क्या करेगा, 20 साल के पेपर उठाएगा, सारे पेपर्स मंगाएगा, उनसे क्वेश्चन निकालेगा, छाट के रख देगा, और नए क्वेश्चन तो वो बनाएगा नहीं बैठ के, इतना टाइम कहाँ है उनके पास। राइट आंसर क्या होगा? पीड़ानाशक। ये तो आपकी मैडम ने आपको पढ़ाया होगा अच्छी तरीके से, पीड़ानाशक कौन सी दवा होती है? पीड़ानाशक होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेन किलर्स होती है जो आपकी, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? रिस्टोन, कैटरीन या फिर इलास्टिन या फिर एक्टिन, कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोटीन है जो बाल में पाया जाता है? राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो मैं बताऊं, एनटीपीसी का जो क्वेश्चंस आपका जो लेवल होगा ना, तो लेवल देखो, अब ये क्वेश्चन है, मान के चलो जिसको आता है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो एक मिनट में आंसर लगाएगा, आगे बढ़ देगा, जिसको नहीं आता वो कहेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इतना टफ क्वेश्चन ये तो मुझे आता ही नहीं है, जिसको आता होगा उसके लिए ईजी है। राइट आंसर क्या होगा? केराटिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बालों में, नाखूनों में, खुर में, पैरों में, सब केराटिन प्रोटीन क्या जाता है, पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? धान, वीट, दालें या फिर मक्का।
एक बार लाइक कर देंगे फटाफट, सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी मित्र जल्दी से। चलिए राइट आंसर आपको सभी को बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है, धान, वीट, दालें और मक्का। तो आप राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा दाल। दाल इज द राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आप लोग जो कहते नहीं हो कि सर लेवल क्या है, लेवल क्या है, लेवल क्या है, यार कोई लेवल नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि लेवल सिर्फ होता है चैप्टर का। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, एक होता है कि आपने शॉर्टकट हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया कि मोहनजोदड़ो में क्या है, लोथल में क्या है, ठीक है, और एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया आपको, तो आपका पढ़ा पूरा का पूरा एक घंटा, जो भी एक घंटा दो घंटा आपने दिया, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना आपका। तो अगर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हो तो ए टू जेड पढ़ो, ए टू जेड। फिर ये लेवल मत सोचो कि मैं एनटीपीसी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं सीजीएल के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, फिर ए टू जेड पढ़ो। जैसा कि मैं एनटीपीसी के बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी करा दिया आपको, नहीं, पूरा ए टू जेड, ताकि अगर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का मिल गया हमें तो आप उसमें सही टिक करके ही आओगे, इतना हद तक हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो दाल इज द राइट, और भी इसके आंसर, जैसे मटर, मटर भी इसका एग्जाम्पल होता है, मसूर भी होता है इसका एग्जाम्पल, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं द्विबीजपत्री के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है। जो कॉफी पाउडर होता है जिसमें हम मिलाते हैं, वो चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है, स्ट्रेन, फ्रूट, फ्लावर या फिर रूट, किससे प्राप्त होता है। राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो क्लासेस हैं, आपकी जो क्लासेस हैं फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, वो फ्री क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, हो सकता है या कल से मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, टाइम आपका रात में 10 बजे ही रहेगा, ठीक है। तो कल से शायद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अनअकैडमी फ्री, जिसमें मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर जो 2003 से लेकर 2016 तक जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के सारे प्रश्न वहाँ पर करा डालूंगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने क्या होगा, रूट। रूट इज द राइट आंसर होगा, जड़। जड़ यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं, केल्विन में, जूल में, कैलोरी में या फिर सेल्सियस में। जो खाद्य ऊर्जा होती है हम उसको किस में मान सकते हैं, बताइए। रूट होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए सभी लोग जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं, केल्विन, जूल, कैलोरी, सेल्सियस। इसका तो बता ही दोगे आंसर आराम से बिना टेंशन के, केल्विन। खाद्य ऊर्जा की बात कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहे हो, खाद्य ऊर्जा की बात कर रहा है, खाद्य ऊर्जा की, बिल्कुल बिल्कुल चंदन यादव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैलोरी, कैलोरी इज द राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किस में माप सकते हैं, कैलोरी में माप सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, जड़त्व का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास या फिर वेट। आपको राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, जल्दी से फटाफट राइट आंसर आप लोग बताएंगे एक बार जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करके जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, 25 कहां से आ गया यार, अभी तो 23 ही सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, बताओ फटाफट राइट आंसर क्या होगा। कैलोरी तो उसका हो गया ना, अब इसका बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, या फिर द्रव्यमान है, या फिर वेट है आपका, क्या है, मास, मास, वेरी गुड, वेरी गुड आरोही, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मास, मास, द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, मास इज द द्रव्यमान आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा, 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 नवंबर।
जो अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस है वो प्रतिवर्ष हम किस दिन मनाते हैं? आप लोग कॉफी पीते हो नहीं पीते हो? नेस्कैफे की कॉफी पीते होगे, है ना, तो कॉफी वगैरह पीते होगे। जो कॉफी दिवस है उसको हम किस दिन मनाते हैं? 10/1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 5 नवंबर? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉफी दिवस को हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कॉफी दिवस को हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर को आप सभी लोगों ने कॉफी जरूर पी होगी। और आज क्या है? आज 5 अक्टूबर है। आज क्या है? आज 5 अक्टूबर है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस है आज, लेकिन आप लोगों ने विश्व शिक्षक दिवस वाले दिन बिल्कुल भी आपने विश नहीं किया, है ना, क्योंकि आप हमें शिक्षक नहीं अपना दोस्त मानते हैं। चलिए जल्दी से एक बार, आज 5 अक्टूबर है विश्व शिक्षक दिवस है, और 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड शिक्षक दिवस मनाते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। अब तो एकदम लाइन की झड़ी लगा दी आपने, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ चलो, आप लोग भी टीचर ही हो एक प्रकार से, आप लोग भी गुरु हो किसी ना किसी के, है ना, आप लोग भी किसी ना किसी के कौन हो, गुरु ही हो। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आरोही सीएम बहुत बढ़िया, सीएम रूबी बहुत बढ़िया, निर्मल बहुत बढ़िया, दीपक ठाकुर बहुत बढ़िया। चलिए बताओ फटाफट राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपके सामने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर बात करूं, कभी कभी पूछता है इसका वजन कितना है, वेट कितना है, तो वेट हमेशा याद रखिएगा इसका 3000 किलोग्राम है। वेट इसका क्या है? 3000 किलोग्राम है। लगभग ये 8.4 मीटर कैसा है? लंबा है। 8.4 मीटर लंबा है। 0.6 मीटर कैसा है? ये चौड़ा है। 0.4 मीटर लंबा है और 0.6 मीटर कैसा है? ये चौड़ा है। तो इस चीजों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की, जल कल योजना शुरू करी? रंजीत भाई कुछ क्वेश्चंस हिंदी के लास्ट में आ गए थे, कोई बात नहीं है, इनका इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा आपको, कल से इंग्लिश वर्जन भी आपको दे दिया करूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्टेट है जिसने जल कल योजना शुरू करी, विच फॉलोइंग स्टेट टू स्टार्टेड जल कल योजना, वाटर टुमारो योजना, बताओ। इंग्लिश कमजोर है मेरी यार थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रांसलेट जल्दी हो जाएगा ये। चलो, क्योंकि क्योंकि भाई जीएस के अध्यापक हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई है, और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट यही था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल यही सब पढ़ते रहते थे आराम से, कभी इंग्लिश की तरफ ध्यान गया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा कल क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लो। ठीक है चलो, राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने लघु सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू करी है? तो वो आंध्र प्रदेश ने करी है। ठीक है चलिए। एक भाई की बहुत बड़ी समस्या है, कह रहे हैं कि सर थंबनेल में तो क्लीन सेव है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी शेव है। कोई बात नहीं भाई, क्लीन सेव करा लेंगे, कोई टेंशन मत लो। चलिए देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है। कुमारी नेहा जी कह रही है सर बोर्ड में कब आएंगे आप? बहुत जल्दी आ जाएंगे बोर्ड में, टेंशन मत लो। चलो, अगर मुझे बताओ कोई आपको टेंशन है, कोई आपको टेंशन, समस्या हो, दुख दर्द हो किसी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं।
कोई भी टेंशन, समस्या, दुख, दर्द, तनाव, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ कोई भी आपकी समस्या, क्योंकि रहता है ना कि सर कुछ मिलता नहीं है हमें। बिल्कुल अशोक कुमार, सही बात है। चलिए, तो कोई भी समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताओ। देखो, एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट, एक होती है इंग्लिश भाषा। तो इंग्लिश भाषा ही तो है। अगर हम बात करें, जब हमें देखो जब हम पेपर देने आते हैं तो उसमें लिखा होता है, अगर हिंदी में कोई त्रुटि मानी जाएगी तो इंग्लिश भाषा को मान्य किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत टफ है, जब कभी कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आप अंग्रेजी निकल आती है, अपने आप अंग्रेजी में समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है, तो अंग्रेजी अपने आप ही आती है। चलिए, CHSL का बैच किस टाइम है? आप इसी क्लास को लो कंटिन्यू, क्योंकि इसमें SSC के ही क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, 10+2 के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी करा दूंगा इसमें। आप इसी की क्लास लेते रहो, सारी चीज करा दूंगा। मेरी साइंस वीक है, आप नेहा मैडम की क्लास लो, आप नेहा मैडम की क्लास लो, 5 बजे से होती है साइंस के लिए। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डेली आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 दे रहा हूँ मैं, उन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की कॉपी बनाओ, डेली उसमें लिखो, इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर, एग्जाम होगा कि नहीं होगा? कोरोना भी चल रहा है, एग्जाम होगा। बिल्कुल, सिर्फ मैं GS ही पढ़ाता हूँ और मेरी फ्री क्लास भी अनअकैडमी में होती है। तो जिन लोगों ने अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज अब फ्री क्लास के लिए अनअकैडमी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और कल से आपकी रात 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी अनअकैडमी में, रात 10 बजे अनअकैडमी पे आपकी क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? चलिए, वीना मीना, सर माई फर्स्ट क्लास है। भाई बहुत बढ़िया, आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए। सर टेल मी अबाउट CHSL बैच। देखो, आप CHSL बैच के लिए आप क्या कीजिए, जितने भी सेशन है, जैसे 9 बजे आपको मयंक सर क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो कि 9 बजे आपको मयंक सर क्या पढ़ाएंगे, 9 बजे आपको मयंक सर पढ़ाएंगे मैथ। तो अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मयंक सर की क्लास ले सकते हो 9 बजे। 9 बजे आपको मयंक सर क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, तो आप मयंक सर की क्लास ले सकते हो। और 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है अभिषेक सर द्वारा, रीजनिंग की। और 5 बजे पढ़ाती हैं आपकी नेहा मैडम साइंस की, ठीक है? और 6 बजे मैं आपको कराता हूँ GS+ CA मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका एक पैकेज है पूरा का पूरा 4 घंटे का। तो यानी अगर आप 5 बजे से बैठते हो पढ़ने के लिए तो 5 से 8 आप क्लास लो, उनके नोट्स बनाओ, आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है? चलिए, और कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ बने रहो। जब भी क्लास आपकी होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कि आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है अनअकैडमी में, वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ओके? चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए यहाँ पे मुझे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर आप जल्दी से करा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा पर सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जापान, डेनमार्क, चीन, रूस। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताऊं, मयंक सर की अगर मैं बात करता हूं तो मयंक सर से आप मैथ पढ़ सकते हैं रात में 9 बजे। मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना या ना पढ़ना, ठीक है? क्योंकि आप पूछ रहे हैं सर किससे करें, तो पूरी टीम हमारी आपके साथ है, पूरी टीम मयंक सर, अभिषेक सर, नेहा मैडम और विवेक सर, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है रेलवे NTPC के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क। तो डेनमार्क यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। प्लीज सभी लोग लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।